मेरे को लगा आप कोई चालान करने जा रहे हैं मेरी गाड़ी का। लेकिन चौड़ी जमीन जाइए, वहाँ रुकिए, रेस्ट करिए, आराम, कोई दिक्कत। जी भैया, थैंक यू भैया। हमारे आस्तु जी की ट्रेन छूट गई थी बिकॉज ऑफ आस्तु जी को आज छुट्टी लेने के लिए हमारे पास। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम लोग हैं आगरा एक्सप्रेसवे पे, हमारे साथ हैं मिस्टर आशुतोष पाल और अपनी प्यारी ब्यूटी एंड द बीस्ट। तो रात में पानी बरसने लगा था, मौसी क्या रुक गए थे, सुबह अभी भी पानी बरस रहा है, इसलिए वहाँ से आपको कुछ दिखा नहीं पा रहा है। बट कितना कहेंगे, ये जो बाइक है ना, एक नंबर है, लाजवाब है। भाई आपको बताते हैं आशुतोष पाल से। आशुतोष भाई, कुछ कहना चाहेंगे आप इसके बारे में फिर से? भाई ठीक गए वापस, और इसके बारे में क्या कहें यार, ठंड लग रही है अब। इतना भीग चुके, ठंडी तक लग रही है। तो रात में भी भीगे, सुबह भी भीग गए, अब फिर से कपड़े सूखे हैं हवा से। कपड़े सूखे हैं केवल हवा से और बाकी सब भीगा हुआ है। आपको कुछ सीन दिखाते हैं बाइक के। बाइक की हालत देखिए, पूरी मिट्टी है। आप बाइक की हालत देख के समझ सकते हैं कितना ज्यादा कीचड़ रहा है। ये रखा है हेलमेट, ये एक बार गिर गया था अभी। ये देखिए चैन पॉकेट की हालत। आज मैं समझ पाया हूँ पैरेलल ट्विन इंजन होने का क्या फायदा होता है। बड़े भाई, जो ये है ना, ये इसका ये लिखा है कावासाकी का 300 सीसी का इंजन, भाई ऐसे ही नहीं, इसको सेगमेंट किंग कहा जा रहा है इस टाइम पे। 300 सीसी में निंजा, वो भी कावासाकी की नंबर एक है भाई। कुछ भी कहो, चलती बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी चलती है, बहुत प्यारी। इसके बारे में क्या बताऊँ, बता नहीं सकते। अगर आपको इसके बारे में पूरा फुल डिटेल चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए। देखिए लगती है ना सेक्सी। चलते हैं रोड पे चलते चलते कुछ बात करेंगे। इतना ज़्यादा पानी है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें। पानी फुल ऑन पानी बढ़ रहा है तब भी। ये देखिए रोड की हालत कितनी प्यारी है, मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है। देखिए मौसम, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टॉप पे रुकते हैं, तब आपको बताएंगे। सो गाइस, लिया ही हमने अपना दूसरा स्टॉप ऑन द आगरा एक्सप्रेस वे पे। अभी गाड़ी टोटल चल चुकी है हमारी, गाड़ी देखिए एक बार। अभी हमारी टोटल गाड़ी चल चुकी है, दिखाते हैं हम आपको। 332 किलोमीटर चल चुकी है और हाफ टैंक अभी बचा हुआ है। बाकी देखते हैं कितना चलती है, कहाँ टॉपअप कराएंगे, कितना फ्यूल डलवाएंगे। फ्यूल क्या, टैंक तो फुल ही कराना है मेरे को, बाकी आपको बताते हैं कि कैसे क्या है। बाकी अगर आपको चाहिए इस गाड़ी का पूरा एक डेडिकेटेड मैं वीडियो केवल गाड़ी की सारी
सारी स्पेसिफिकेशन से बनाऊं तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट करिएगा, तो मैं उसकी सारी स्पेसिफिकेशन पे एक वीडियो बना दूंगा, पूरी एक सारी चीज़ें इस गाड़ी के बारे में, एक एक चीज़ बता दूंगा। इस गाड़ी में एक स्लीपर क्लच भी आता है, इस गाड़ी में स्लीपर क्लच भी आता है। एंड ये है हेलमेट जो मैंने अभी ऑनलाइन ऑर्डर किया था, ये स्टील बर्ड का है, टर्मिनेटर S3। अगर आपको चाहिए कि मैं इस पे पूरी एक वीडियो बनाऊं तो भी आप मेरे को बता सकते हैं, आपको जिस पे भी वीडियो आपको देखने का मन हो आप मेरे को बताइए, मैं उस पे एक वीडियो बना दूंगा। और बाकी थोड़ा सा आराम करते हैं देन निकलते हैं यहाँ से। जब गाड़ी वहाँ से ली थी तो ये पूरे गोल्डन थे, देखिए ये इसके पाइप्स, एग्जॉस्ट पाइप्स जिनको हम लोग बैंड पाइप भी कहते हैं, देखिए इतनी गाड़ी चली है तो पर्पल पड़ गए, ये प्योर टाइटेनियम के बने हुए होते हैं। अभी ऐसा मेरा कोई मन नहीं है गाड़ी में कोई भी मॉडिफिकेशन कराने का, कुछ भी नहीं कराने का मन है। बाकी अगर इन फ्यूचर अगर कभी मन रहा तो इसका एग्जॉस्ट नोट बदलवाएंगे, मतलब यही मफलर बदलवाएंगे, ये दो पार्ट में आता है, या तो फुल सिस्टम लगवा लें या तो यहाँ से बैंड पाइप लगा दें इसका, ये इसका मेन जो मफलर है वो नीचे लगा हुआ है, या तो यहाँ से चेंज करा लें या तो फुल एग्जॉस्ट लगवाएं। वैसे अगर मैं लगवाऊँगा तो फुल एग्जॉस्ट सिस्टम ही लगवाऊँगा, बाकी देखते हैं, आप लोगों को सब पता चलता रहेगा। और बाकी गाइस बने रहिए, लाइक अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो प्लीज़ लाइक तो कर सकते हैं, लाइक कर दीजिए एंड एक कमेंट कर दीजिए और फॉलो कर सपोर्ट कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉप पे। अगर आप और एक छोटी सी बात, अगर आपको पता है कि कैमरे में माइक कैसे काम करता है तो प्लीज़ मेरे को बताइए, मेरे को कैमरे का माइक समझ नहीं आ रहा है। मैंने इसका माउंट तो लगा दिया था लेकिन जैसे इसमें मैं वो लगा रहा हूँ माइक, कैमरा होल्ड कर रहा हूँ, उसके बाद इसका जो माइक है उसमें आवाज़ ही नहीं आ रही है, मैं आपको कोई वीडियो ही नहीं दिखा पा रहा उसको, जैसे थोड़ा सा मौसम देखिए। मौसम था सुहाना बड़ा, मौसम मैंने देखा उसे हुआ मैं पार। सो गाइस हम लोग हैं अभी पहले रेस्ट एरिया में जो आगरा एक्सप्रेस पे 100 किलोमीटर में पड़ता है, जब आगरा से आ रहे होंगे तो 100 किलोमीटर पहला रेस्ट एरिया पड़ता है। यार हालत इतनी ख़राब हो गई है ना, बता नहीं सकते, पानी बरस रहा है, बंद हो रहा है, भीग रहे हैं, सूख रहे हैं, एक बार भीग के फिर सूख चुके हैं हम। और एक प्रॉब्लम हो गई थी अभी, ये जो गाड़ी है ना हमारी ड्यूटी, ये इसका फ्यूल अभी दिखाते हैं, ये जो गाड़ी है ना हमारी इसका फ्यूल ख़त्म हो गया था, ये रिजर्व में लग गई है, अभी टेढ़ी खड़ी है इसलिए दो स्टिक दिखा रहा है, बाकी गाड़ी तो गंदी बहुत हो ही गई है, क्या बताएं। बट एक अच्छी बात है कि फ्यूल जो ख़त्म हुआ है ना हमारा, अभी 2 किलोमीटर पहले ख़त्म हुआ था और हम आ गए हैं फ्यूल स्टेशन पर, अभी इसमें फ्यूल डलाते हैं, एक्स्ट्रा प्रीमियम बताया था मेरे से कि एक्स्ट्रा प्रीमियम डलाइएगा, तो अभी इसमें एक्स्ट्रा प्रीमियम डलाते हैं फिर इसको लेके चलते हैं नखलो। सबसे बड़ी दिक्कत गाड़ी की मेरे ये है R15 में ये प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन निंजा में सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है, जो पीछे बैठता है उसके बैक की हालत देखिए, ये अभी मैंने साफ़ कर दिया उसके बाद ये हालत है, ये जो टायर है ना पीछे इसका टायर बहुत पानी उछालता है, बहुत ही ज़्यादा, रोड में अगर हल्का सा ही पानी तो ये उछाल देगा। इस टायर का नंबर है 140/70/860 और जो कंपनी देती है वो MRF का टायर देती है, इतनी महंगी गाड़ी होने के बाद MRF का टायर, कंपनी को एटलीस्ट मिचलिन का टायर देना चाहिए, इसमें मिचलिन का टायर तो कंपनी को प्रोवाइड करना चाहिए, कोई भी फीचर नहीं दे रही है, स्टॉक गाड़ी है और इतनी क्रॉस कटिंग है, अभी तक LED की जगह अब देखिए हैलोजन बल्ब देते हैं, यहाँ पे तो कम से कम LED दे सकते थे, आगे भी MRF लगा हुआ है, जो आगे का टायर साइज है वो बता देता हूँ 110/70/17 है, और इसमें भी हेलोजन ही मिलता है देखिए, और जो छोटी पार्किंग है उसमें भी हेलोजन है। हम लोग हैं फर्स्ट रेस्ट एरिया पर, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था,
ये है कावासाकी निंजा 300। हम लोग आ रहे हैं दिल्ली से इस बाइक को लेके, लगातार अभी तक चला चुके हैं हम इसको 375 किलोमीटर अप्रॉक्स चला चुके हैं इस गाड़ी के साथ। हम लोग को कुछ ऐसी की देखने को मिलती है, की देखिए कुछ ऐसी की मिलती है। ये कावासाकी का जो की रिंग है ये शोरूम से हमको मिला है, कावासाकी वेस्ट। अगर आप चाहते हैं ये कैसे ली है मैंने या इसका सारा प्रोसेस क्या किया है मैंने, तो आप मेरे को कमेंट में बताइए, मैं आपको सारा प्रोसेस एक अलग से पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा इसके लिए। ये इसकी की है कुछ, ये है कुछ बाइक। अभी चलते हैं इसकी फ्यूलिंग कराते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से आगे टूवर्ड्स LKO, मतलब घर के लिए, अपने पवेलियन बैक टू होम। तो गाइस पेट्रोल डलवा लिया है, हो गया है टैंक फुल, आया है ये 2244 रुपए का। इन भैया का कहना है ये एकदम खून की तरह पेट्रोल है ये वाला, एक्स्ट्रा कौन सा भैया, ये XP 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल, कह रहे हैं एकदम खून की तरह है। तो मैं कह रहा हूँ कि खून ही तो पी रही है ये गाड़ी। आया है देखिए 2244 रुपये का 14 लीटर, मतलब इसके रिजर्व में जो पेट्रोल रहता है वो 3 लीटर अप्रॉक्स रहता है, क्योंकि टोटल जो फ्यूल टैंक है ना इसका ये 17 लीटर का है। चलिए पेट्रोल फिल हो चुका है, चलते हैं आगे। हेलो गाइस, धूप निकल आई है थोड़ी थोड़ी, पानी बिल्कुल बंद हो गया है, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो जब अच्छा लग रहा है तो अभी गाड़ी चला के देखी, पांचवें गियर में कितनी गई थी आशुतोष, 155 फिफ्थ गियर में। और अभी आशुतोष पाल का कहना है यहाँ पे कि गाड़ी में सिंगल स्टैंड दिया है, और क्या नहीं दिया भाई, नहीं अब बताइए नहीं, पब्लिक जनता जानना चाहती है। किक स्टार्ट, किक नहीं दी है, और जोक नहीं दिया है, जोक नहीं दिया है, और पैडल नहीं दिया है। तो आशुतोष पाल का इतना कहना है। तो अगर कोई कावासाकी से देख रहा है अगर मेरा वीडियो, तो प्लीज़ इसमें पैडल इंस्टॉल कराइए, चोक इंस्टॉल कराइए, डीपर इंस्टॉल कराइए, और डबल स्टैंड इंस्टॉल कराइए हाँ भाई। तो आशुतोष पाल खरीदेंगे गाड़ी तो अफोर्डेबल होगी आशुतोष के लिए। गाड़ी की हालत बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है, आशुतोष पाल के चेहरे पे थकान दिख रही है। आशुतोष कैसा है आपका सफर? मर गए यार रात भर। हाँ, हम आपको एक चीज़ नहीं बता पाए, जो बेसिकली जिस सीट की बात हो रही थी, हमारे आशुतोष जी की ट्रेन छूट गई थी बिकॉज ऑफ आशुतोष जी को आज छुट्टी लेने के लिए, हमारे पाल साहब को छुट्टी लेने के लिए आज, कल काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, इतनी मेहनत करनी पड़ी कि वो थोड़ा सा लेट हो गए थे, ऑलमोस्ट 1 या 2 मिनट लेट हुए थे बस। बाकी फिर उनके लिए, फिर ये दूसरी ट्रेन से आए, दूसरी एक्सप्रेस, जो हमारी ट्रेन थी एक्चुअली 10 बजे की, और गलती मेरी भी थी, मैंने इनको 10:10 का टाइम बताया था, तो थोड़ी सी गलती मेरी थी, मैंने इनको 9:30 पे कॉल किया कि भाई 10 बजे की ट्रेन है, जब मैंने उसको देखा, तो इतनी छोटी गलती मेरी भी थी और भाई की भी गलती थी। फिर देन दूसरी ट्रेन से आए मेरे भाई, दूसरी ट्रेन कौन सी थी, सप्त क्रांति एक्सप्रेस, मैं आया हूँ नखलोमेल से, भाई आए हैं सप्त क्रांति से, 1 घंटे का फ़र्क था केवल, 1 नहीं 1.5 घंटे का फ़र्क था। नखलोमेल रुकते रुकते आती है, सप्त क्रांति का केवल एक स्टॉपेज है महमूदाबाद, वो सॉरी कहाँ पर है भाई, ऊपर देख के क्यों नहीं बोले भाई आप, कैमरे में कैमरे क्यों नहीं देख रहे हैं, कैमरा सही हो गए आप, शर्मा रहे हैं, क्यों आपने ऐसा क्या किया जो आप मुँह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। नहीं अब बताना पड़ेगा, अरे बताइए आपने क्या काम किया, जो रात भर आपने कांड किया है। मैंने क्या रात भर कांड किया है यार, साला भीग गया, इनका कहना है पूरे बदन भीग गया, इनका कहना है इनका पूरा बदन भीग गया है, पूरी चड्डी भीग गई है, बट और नंगे बैठे हैं, नंगे बैठे हैं, चड्डी तो पहने ही नहीं है, चड्डी तो पहने ही नहीं है, और ये गाली देते हुए आशुतोष जी, कैसा लग रहा है आशुतोष, जितनी गालियाँ दी जाए उतने तक तुम्हारे लिए कम है, जितनी गालियाँ दी, की छुट्टी मांगी थी 2 दिन की करवा दी। अब भाई इधर भी गालियाँ मिलेगी, अब भाई मौसम में मैं भी कुछ नहीं कर सकता ना मेरे भाई, मौसम के लिए तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, कौन समझाएगा यार। चलिए ठीक है,
अब चलते हैं आगे और रुकते हैं नेक्स्ट स्टॉप पे, उसके बाद फिर निकलते हैं, घर पहुंचते हैं। तो हम लोग हैं एक्सप्रेसवे पे एक जगह पर, तो यूपीडीआई के कुछ ऑफिसर्स लोग हैं जिन्होंने हमको रोका, मतलब रोके थे, रोके क्या, वो मिलने लगे, कह रहे भैया गाड़ी कितने की है, तो गाड़ी पे एक स्टिकर लगाया है बस, बाकी भैया लोग हैं सब, हम लोग की सेफ्टी के लिए होते हैं सब लोग, भैया पूरी मदद करते हैं, कभी भी आप फंसे हैं तो आप इन लोग को कॉल कर सकते हैं, फुल सेफ्टी के लिए। भैया का कहना है कि यहाँ मत रुकिए, जहाँ चौड़ी जगह हो वहाँ पर रुका कीजिए। ठीक है भैया, ओके, थोड़ी जमीन हो वहाँ पे जाइए। बिल्कुल भैया, हमको लगा आप कोई, जितनी देर करना वहाँ करो, मेरे को लगा आप कोई चालान करने जा रहे हैं मेरी गाड़ी का। लेकिन थोड़ी जमीन जाइए वहाँ रुकिए, रेस्ट करिए आराम, कोई दिक्कत। जी भैया, थैंक यू भैया। हेलो गाइस, तो अभी हम लोग हैं आगरा एक्सप्रेस वे के लास्ट रेस्ट एरिया पे, बीच में आशुतोष पाल ने गाड़ी चलाई थी, तो उनसे पूछते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसे रहा। आशुतोष भाई बताएं। बाइक बढ़िया था, पता नहीं चल रहा था कि मतलब गाड़ी उठ रही है, गियर डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सबसे पहले तो हमें तो 90-100 पे पता नहीं चलता है कि कुछ, पता ही नहीं लग रहा है कि हम 100 भी चल रहे हैं, वो लग रहा है 50-60 चल रहे हैं, जैसे नॉर्मल ही चलती हैं गाड़ी। R15 भी चलाई है, काफ़ी चलाई है, और 100 पता चलता है उस पर, लेकिन इस पर 100 तो पता नहीं, बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा था कि मैं 100 चल रहा हूँ। अभी 150 अभी नहीं चलाया, इसलिए कि नई है, थोड़ा अभी हाथ सेट नहीं है, पहली बार उठा ली, अभी उठाएंगे इसको, 150-160 भी लेके जाएंगे, लेकिन वेट करिए आप हमारे 160 चलाने का। तो यह पानी बरसने लगा था, अब एक्चुअली भीगना नहीं चाह रहे, इतना भीग चुके हैं कि अब भीगना नहीं चाह रहे, अब चाह रहे हैं कि सूखे हुए घर जाएं, तो थोड़ा रुके हैं, वेट कर रहे हैं, देखते हैं पानी बंद होता है कि नहीं। चलिए ठीक है, अब रेस्ट एरिया में रेस्ट करते हैं थोड़ा सा, उसके बाद जब निकलेंगे तो फिर आपको बताते हैं निकलना है। ओके, मिलते हैं। तो गाइस, हम लोग आ गए हैं गंगा पुल पर, ये है आगरा एक्सप्रेसवे से गंगा पुल का व्यू, आपको दिख रहा होगा तो बीच में रेनबो है, पूरा प्रॉपर रेनबो वहाँ से लेके वहाँ तक बना हुआ है, देखिए। तो आशुतोष भाई, आपका सफ़र कैसा रहा? बहुत लाजवाब, बहुत लाजवाब, ये नज़ारा देख के लाजवाब लग रहा है। पूरा सूरज आ गया है, पूरा देखिए बादल, मौसम भी देखिए, बहुत बढ़िया चीज़, लाजवाब नज़ारा हमारे आँखों के सामने, ये दृश्य आप सिर्फ अपनी आंखों से देख सकते हैं। हरी वादियाँ और बारिश के बाद बढ़ता ये रेनबो, और साफ सफेद सड़कें, उस पर लहराती थी ये गाड़ियाँ। जिनको मैं अपने लफ्जों से बयां नहीं कर सकता, क्या खूब नज़ारा है ये दृश्य आप अपनी आंखों से ही देख सकते हैं। लेकिन एक बात है आशुतोष, ये जो नज़ारा है ना, अभी हम लोग के लिए घातक साबित होने वाला है, क्योंकि आगे बढ़ रहा होगा पानी, बहुत घनघोर बादल है आगे, और अब 100 किलोमीटर तक कोई स्टॉपेज नहीं है, 100 किलोमीटर तक हम कहीं रुक नहीं सकते, सीधे नखलऊ या तो फिर टोल। तो गाइस, हम लोग आ गए हैं फाइनली घर, मतलब लखनऊ, रेस्ट एरिया, खाना चाय पी है, यहाँ से मात्र 20 मिनट का घर है, और आशुतोष भाई पी रहे हैं चाय, एंड गाड़ी ने कवर जो किया है, गाड़ी ने कवर किया है, आपको दिख रहा हो,
562 किलोमीटर तो टोटल गाड़ी ने कवर किए हैं 562 किलोमीटर और हम लोग आ गए हैं घर। चलिए ठीक है, ध्यान रखिएगा, मिलते हैं हम लोग किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए कंटेंट के साथ, किसी नए ट्रिप के साथ या किसी नए चीज़ के साथ। कुछ भी नया होगा तो वो आप लोग को बताऊँगा। ओके, मिलते हैं, टेक केयर, टेक केयर, प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट करिएगा। आपको जो चीज़ नहीं अच्छी लग रही है या जो चीज़ अच्छी लग रही है प्लीज़ कमेंट करिएगा। ओके, मिलते हैं।